चैनल जर्मन लाइफ देसी स्टाइल, और आज हमारा है डे टू इन बेल्जियम। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आपको 3 दिन का ट्रिप करवाने वाले हैं बेल्जियम का। सो कल का दिन हमने बिताया ब्रसल्स में, तो आज हम जा रहे हैं सेकंड सिटी विच इज़ ब्रूज, जो कि यहाँ से हमें 1.5 आवर्स की जर्नी लगेगी वहाँ जाने के लिए। तो अभी हम हैं मिडी स्टेशन पर, और अभी हम वहाँ से टिकट लेंगे ब्रूज का, और नाश्ता भी करेंगे, अभी नाश्ता नहीं किया हमने। एंड आप भी हमारे साथ चलो और देखो, यहाँ का स्टेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हम आपको स्टेशन पर भी एक दो चीज़ें ऐसी दिखाएंगे जो अनयूजुअल हैं। सो अभी हम ब्रूज जा रहे हैं और ब्रूज के लिए हम टिकट ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टिकट मशीन दिख रही है, डायरेक्टली आप यहाँ से टिकट ले सकते हो, आपको कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आई विल वॉक यू थ्रू ऑल द स्टेप्स। तो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे वीकेंड टिकट्स पे जाके, देन यहाँ पे देखो ब्रूज नहीं दिख रहा, तो वी विल गो टू चेंज, देन आई विल टाइप, यहाँ से आप ब्रूज सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपको कहीं और जाना है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। पहले आप ये देख सकते हैं डिपार्चर स्टेशन है, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं ब्रसल्स मिडी स्टेशन पे, और अभी हमें जाना है ब्रूज पे। तो अभी मैं, आप डिपार्चर और अराइवल स्टेशन ध्यान से देख लीजिएगा, देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है कि जो वीकेंड टिकट है वो फ्राइडे 7 PM से लेके संडे इवनिंग तक वैलिड है। अभी हम यहाँ पे सिंगल टिकट भी ले सकते हैं और रिटर्न टिकट भी ले सकते हैं, तो क्योंकि रिटर्न टिकट थोड़ी सस्ती पड़ती है, उस पर 50% डिस्काउंट पड़ता है, तो इसलिए वी विल टेक रिटर्न, क्योंकि हमें आज शाम में ही वापस भी आना है। तो हम लेंगे सेकंड क्लास टिकट एंड 2 tickets। तो यहाँ पे आप देखोगे द टोटल प्राइस इज 34.8, इट मीन्स फॉर 1 person रिटर्न ट्रिप इज कॉस्टिंग 17.4 euros। पे विद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, देन आई हैव टू स्कैन माई कार्ड हियर, द मशीन डिड नॉट रीड द कार्ड, सो आई हैव इंसर्टेड इट इनसाइड। So after giving the pin, the payment is approved. और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी ये टिकट आ चुकी है। तो ये रही हमारी ब्रूज की टिकट। चलो आज हम आपको लेके चलते हैं ब्रूज सिटी। This is the second day in Belgium and we'll take you to all the famous attractions of ब्रूज सिटी। So guys, शायद आपको पता हो या शायद कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो बेल्जियम जो है वो फेमस है अपने चॉकलेट्स, वॉफल्स और फ्राइज के लिए। और आज हम आपको लेके चलते हैं ऐसे ही बेल्जियन चॉकलेट हाउस में, और देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स हैं। मुझे चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं है, बट लेट्स सी वहाँ पे कुछ अलग मिलता है जो मुझे पसंद आ सके। ओके, लेट्स गो। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स है। तो केक लग रहा है मुझे, ये थोड़ा केक की तरह लग रहा है, चॉकलेट कम और केक ज़्यादा लग रहा है ये मुझे, बट स्टिल बहुत ही अच्छा लग रहा है जो भी है ये। और देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स हियर यू कैन सी, लेकिन जो रेट्स हैं वो मुझे ऑनेस्टली काफ़ी हाई लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 9 euro का है, ये छोटा सा डिब्बा आपको 900 rupees में पड़ने वाला है, जिसमें शायद कुछ बिस्किट्स की तरह दिख रहे हैं, इनके अंदर चॉकलेट की फिलिंग है आई बिलीव। 12.5 euros का एक छोटा सा है, इसमें बहुत ही कम 130 gram चॉकलेट्स है। देखो आप दिख रहे होंगे, आपको छोटे छोटे पीसेस हैं चॉकलेट्स के। इट्स शुगर फ्री चॉकलेट। यस राइट, दिस इज गुड, मे बी नॉट दैट गुड फॉर हेल्थ, बट द कॉस्ट इज 24 euro, विच इज अगेन वेरी वेरी हाई प्राइस। जैसे हमें जर्मनी में आदत है रेवे लिडल ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे, बट हमने काफ़ी सर्च किया तो यहाँ पे रेवे लिडल और एल्डी तो नहीं है, बट यहाँ हमें एक नया ब्रांड मिला है सुपर मार्केट्स का, एयरपोर्ट एक्सप्रेस। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा और कैसा मिलेगा। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हमने सोचा लेट्स हैव सम फ्रूट्स। तो अभी हमने यहाँ से बनाना और एप्पल्स लिए हैं और वाटर बॉटल भी ली है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी सर्विस देखने को मिली जो थी सेल्फ सर्विस चेकआउट। यहाँ पे 2 तरीके के चेकआउट हैं बेसिकली, एक तो आप खुद से अपना सामान स्कैन कर सकते हो,
इस मशीन के थ्रू और आप अपना बिल पे कर सकते हो अपने कार्ड के थ्रू, और दूसरा है आप उस तरफ देख सकते हो जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लोग लाइन में लगे हैं, या फिर वहाँ पे एक बंदा है जो कि काउंटर पे आपकी चीज़ें स्कैन करेगा एंड देन यू विल हैव टू पे, राइट। तो आज हम ये वाली मशीन के थ्रू चेकआउट करने का ट्राई करेंगे, तो लेट्स सी। मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो लेट्स सी। सो दिस इज वेलकम एट द, आई हैव टर्न्ड इट टू इंग्लिश, वेलकम एट द सेल्फ सर्विस चेकआउट। सो लेट मी क्लिक मे बी समवेयर टू सी, टू बिगिन स्कैन योर बोनस कार्ड और स्टार्ट स्कैनिंग योर आइटम्स। लेट मी स्टार्ट स्कैनिंग माई आइटम्स, बट आई डोंट नो वेयर टू स्कैन। ओके, सो सी, दिस इज वन वाटर बॉटल, देन वी हैव एप्पल्स, वी हैव एवरीथिंग लिस्टेड ओवर हियर नाउ। Then we have some bananas. Let me. So यहाँ पे हमने पहले ही slip लगा रखी है, which cost us 0.66 euros. तो यहाँ पे ये देखिए total amount अब हमारा बन गया है 3.77 euros. We चल पे through card. Now I'll click on pay. Then I'll click on is your receipt complete? Okay. Let me try. Credit card. Yes, it will be credit or debit card. So follow the instructions. Okay, now this is the machine wherein I need to scan my card. So see, payment is approved and now we can take these items. और यहाँ से आप आपका अपना बिल भी ले सकते हो। Isn't it great कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। We are already in a hurry, so this is actually saving our time. Thank you guys. Thank you. I hope you will also use this machine and this will be beneficial for you also. It will definitely save some time for us. आपने देखा मैं एग्जिट करने की कोशिश कर रहा था, बट इट वॉज नॉट अलाउंग मी टू एग्जिट, क्योंकि हमने सेल्फ चेकआउट किया है तो मुझे नहीं पता था कि हमें इस बिल को स्कैन करके फिर एग्जिट करना है। देन आई स्कैन द बिल और अभी हम बाहर आ गए हैं। ये ऐसा जर्मनी में नहीं होता। ऐसा जर्मनी में बिल्कुल नहीं था। दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज अ न्यू थिंग दैट वी हैव लर्नड एंड सीन इन ब्रसेल्स। तो अभी हम जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे और यहाँ से हमारी ट्रेन चलेगी ब्रूश के लिए। अभी हम ट्रेन में हम जा रहे हैं ब्रसेल्स टू ब्रूश। रूप अभी बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त है, ठीक है। तो हम आपको भी दिखाते हैं कि कैसा रहा हमारा सफ़र बाय दिस ट्रेन, तो आपको भी दिखाते हैं हम बाहर के नज़ारे। स्टेशन इज ब्रूश, तो ये जो ट्रेन है वो बाया गैंट ही जाती है ब्रूश के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गैंट, तो अभी हमारा आधा सफ़र खत्म हो चुका है, नेक्स्ट स्टेशन में भी ब्रूश। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ब्रूश स्टेशन। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ लोग इसको ब्रूट्स बोलते हैं, कुछ लोग ब्रूश बोलते हैं, तो हम इसको ब्रूश ही बोलेंगे। और अभी हम जस्ट ट्रेन से उतरे हैं, प्लेटफॉर्म पर ही हैं, और अब हम आपको लेके चल रहे हैं सिटी सेंटर। तो ये स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको एक ऑफिस दिखेगा यहाँ पे, तो उसके आप वन डे पास खरीद सकते हो और उस तो आप किसी भी बस में ट्रैवल कर पाओगे। यहाँ पर कोई भी मेट्रो नहीं है, कोई जैसे स्मॉल सिटी, नो ट्रैम्स, नो मेट्रोस, ओनली बसेज आते हैं। सो फॉर दैट यू कैन बाय अ पास, इट कॉस्टेड अस 15 यूरो फॉर बोथ पर्सन एंड इट इज़ वैलिड फॉर 24 आवर्स। तो अभी हम ब्रूश में हैं और हम ब्रूश की गलियों में घूमना हमने स्टार्ट किया है। तो ये सड़क सीधी जाती है मार्केट स्क्वायर की तरफ, जहाँ पे हम आपको नेक्स्ट लेके जाएंगे। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कम प्लेसेस हैं, देखने लायक बहुत कम जगह हैं, बट यहाँ की गलियों में घूमने का ही मज़ा अलग है। अगर आप देखोगे हम आपको दिखाएंगे यहाँ की गलियों में, अगर आप घूमोगे अपने पार्टनर के साथ, यू कैन जस्ट स्ट्रॉल अराउंड एंड यू विल गेट वेरी वेरी गुड, वेरी रोमांटिक वाइब्स ओवर हियर। तो आइए आपको ले चलते हैं ब्रूश की गलियों में और अभी मार्केट स्क्वायर की तरफ।
वेरी सिंपल बट सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये जो आप यहाँ पे स्टेप्स देख रहे हो बिल्डिंग के ऊपर, तो ऐसी बिल्डिंग्स एम्स्टर्डम में भी देखने को मिलती है। अभी हम खड़े हैं ग्रूट्स म्यूजियम ब्रूश के आगे। ये म्यूजियम ब्रूश की हिस्ट्री और आर्ट्स को दर्शाता है। इफ यू विल गो इनसाइड यू विल गेट अ वेरिड कलेक्शन ऑफ यू नो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स एंड डेकोरेटिव आर्ट्स फ्रॉम 13th to 15th century। एंड दिस म्यूजियम इज अ पार्ट ऑफ म्यूजिया ब्रूश विच इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टॉप और फेमस यू नो म्यूजियम्स ऑफ ब्रूश। वो दिखाते हैं इस म्यूजियम का आर्किटेक्चर, आप बाहर से भी देख सकते हैं एंड देन वी मे गो इनसाइड एज वेल। Oh wow, this is so good यार। ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली इन्फो एंड टिकट सेक्शन है, तो यहाँ से आप अपनी टिकट्स ले सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस म्यूजियम्स। मुझे पसंद नहीं है, छबील की चॉइस है, देखते हैं कैसा होता है। जहाँ से हमने वॉफल्स खाए थे उसके ही साथ में एक हमें और शॉप मिली, ऑल्डेस कासा पता था, जहाँ से हम बेल्जियन फ्राइज ट्राई करने वाले हैं। सो देर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ बेल्जियन फ्राइज बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू लगा है बेल्जियन फ्राइज का विद वट एवर काइंड ऑफ सॉस यू वॉन्ट टू हैव इट। डर्टी फ्राइज विच इज समथिंग सीम्स लाइक अ नॉन वेजिटेरियन, देन वी हैव बर्गर एंड अदर स्टफ, अदर स्नैक्स ऑल्सो। So we have already ordered Belgian fries and you can see the menu over here as well. So we have ordered Belgian fries XL with barbecue sauce. So see guys, ambience is really good. Meatballs, sono di carne. Okay, one meatball. So see guys, we have this. Belgian fries. Fries ke shaukeen. Kaisa aapko, kaisa lagi Belgian fries? ये मुझे बिल्कुल नॉर्मल फ्राइज़ की तरह ही लग रही हैं, नॉर्मल पोटैटो फ्राइज़ जो हम इंडिया में भी खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ ये जो इसके ऊपर बारबेक्यू सॉस है इट्स टेस्ट इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, बट आई थिंक यू नो हैविंग दिस व्यू, कैनाल साइड व्यू वेर इन पीपल आर डूइंग बोट टूअर्स एंड देन दिस होल मार्केट, सच अ मेसमराइजिंग व्यू, आई एम रियली एंजॉयिंग इट अ लॉट। तो बेसिकली आपको व्यू अच्छा लगा, फ्राइज़ नहीं? Fries थोड़ी कम अच्छी हैं, व्यू ज़्यादा अच्छा है। I'm liking the view more than the fries, honestly. And what about you, Roop? Yes. How do you feel? View अच्छा है, fries तो normal ही है. But yeah, Belgium आके अगर fries नहीं खाई तो क्या खाया, right? So guys, हम खाते हैं fries और तब तक
और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द व्लॉग पे, जिसके लिए सब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो इस लोकेशन पे यहाँ पर चार कदम सॉन्ग फ्रॉम फिल्म पीके वो शूट हुआ है, और मुझे पहले जब पता चला था यहाँ पे तो मैं काफी एक्साइटेड थी। तो सुबह से हम ढूंढ रहे थे कब आएगा वो स्पॉट, कब आएगा, एंड फाइनली वी हैव अराइव एंड काफी अच्छा लग रहा है। सो बाद में मैं शायद उस गाने की क्लिप भी यहाँ पे लगा दूंगी, तो सो यू कैन सी एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। ये जो आपके पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दिखता है कैसल जैसा है, पर एक्चुअली कैसल नहीं है, दिस इज अ रेस्टोरेंट। शायद पहले में भी ये कभी एक कैसल हो, बट नाउ इट्स अ रेस्टोरेंट एंड इट्स अ वेरी यू नो सूदिंग प्लेस। सो आई वुड स्पेंड आई थिंक हाफ एन आवर हियर, एंड इफ यू कम हियर आई रिकमेंड यू टू यू नो हैव दिस एक्सपीरियंस। तो ये लोकेशन तो हमने देख ली फ्रॉम मूवी पीके, अभी दो लोकेशंस और हैं, वहाँ हम आपको लेके चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में और इसको एंड तक देखना, आपको सब लोकेशंस दिखेंगी और हम ये भी डालेंगे कहाँ पे कौन सी लोकेशन यूज हुई है। So now we are at another most popular attraction of Bruges, which is called Belfry Tower of Bruges. इसकी जो height है वो 83 meters है, और अगर आप बिल्कुल इसके ऊपर भी देखोगे तो आप इसके top पे भी जा सकते हो। You have to climb 366 stairs. मेरा तो मन कर रहा है ऊपर जाने का, बट मैं अभी रूप को कन्विंस कर रहा हूँ, अगर वो मानती है तो हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे और आपको ऊपर से सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू दिखाएंगे। ये सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, जैसे कि आप देख रहे हो, दिस इज अ स्क्वायर। दिस ब्रूश इज आर्किटेक्चरली वेरी रिच। सो अगर आप ये पीछे भी बिल्डिंग्स देखोगे जो कुछ प्यार दिख रही हैं, मल्टी कलर बिल्डिंग्स, राइट, अलग अलग कलर की, अगर हम गूगल पे भी तो आपको ऐसे ही बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं या फिर बेलफ्राय टावर मिलता है, बिकॉज दिस सिटी सेंटर इज यू नो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस। अगर आप देखोगे तो मैं अभी आपको सिटी सेंटर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सिटी सेंटर में हैं एंड वी आर इन्जॉइंग दिस ब्यूटिफुल व्यू। और आज एक और अच्छी बात यह है कि जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है, कभी कभी हमें सन भी देखने को मिल रहा है, तो इट्स नॉट वेरी क्लाउडी। और तो अभी हम यहाँ पे सिटी स्क्वायर में ही हैं, यहाँ पे हमें एक सिटी टूर के लिए ये एक छोटी सी वैन दिखी और हमारी इनसे बात हुई कि ये पूरे सिटी का टूर कराते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, हाय, सो हाउ डू यू डू दिस टूर? विद कार। ओके, एंड हाउ मच डज दिस कॉस्ट? 25 पर पर्सन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? ड्राइविंग 50 मिनट्स। 55 यूरो पर पर्सन। यस, एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन ऑडियो। Okay, so we have this audio guide as well. 16 languages. 16 languages, yes, that's really good. And English is one of them. English, German, Dutch, French, maybe French. Oh, Dutch, excellent, excellent. Portuguese, Spanish, okay. Russian. Okay, so you do this you do every it? Every 30 minutes. Every 30 minutes. We begin at 10 o'clock in the morning, and the last one is on 6 o'clock. Okay, yeah. Thank you so much for the information. So guys, So guys, if you want to do this city tour, call our book. Okay, we can call up as well. Thank you, bye. So guys, जैसे कि आपने देखा, आप ये city tour कर सकते हो, बहुत ही reasonable लगा मुझे, 50 minutes है, और basically 25 euro per person cost करेगा, और उसमें आपको audio guide भी मिलेगा. So, I think this is a good thing to experience. See, that's the city tour.
सो नाउ वी आर एट हिस्टोरियम, दिस इज ऑल्सो इन द सिटी सेंटर. ये जो है बेलफ्राई टावर के बिल्कुल पास में ही है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है हिस्टोरियम. तो यहाँ पे आके आप इस ब्रूश की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो, दैट हाउ लाइवली ब्रूश वॉज ड्यूरिंग द गोल्डन एज, राइट. और ये आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो थ्रू हिस्टोरियम स्टोरी एंड थ्रू वर्चुअल रियलिटी. तो यहाँ पे आने की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक है, एंड द टिकट्स यू कैन बाय टिल 5 PM. तो अगर आपको टिकट्स बाय करनी है तो वो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो यू कैन बाय द टिकट्स. बट आई थिंक एज फार एज आई नो द टिकट कॉस्ट अस इज 25 €, राइट. सो हम बेलफ्राई टावर की टिकट्स के लिए भी और इसकी टिकट्स के लिए भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. सो ट्राई एंड चेक इट आउट. हम आ चुके हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे, जहाँ पे हमारी पीके मूवी का सॉन्ग 4 कदम शूट हुआ है. तो जब आप सॉन्ग देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि जब सुशांत और अनुष्का बोट में जा रहे होते हैं, पहले वो रेड विंडोज आती हैं, फिर ये वाइट बिल्डिंग आएगी एंड फिर वहाँ से एकदम से निकल जाते हैं. सो अगर आप सॉन्ग को देखोगे तो एग्जैक्ट यही लोकेशन है गाइस वो, और यहाँ अच्छा लग रहा है हमें काफ़ी आके. यहाँ पर आप बुक कर सकते हो बोट, और पर हेड आपको 12 € पे करने होंगे, एंड 30 मिनट्स ऑफ दिस कैनाल टू यू कैन हैव, एंड इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस. और हमने तो एक बार बर्लिन में कर चुके हैं तो हम नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप पहली बार करने वाले हैं तो एक्सप्लोर इट, एंड 30 मिनट्स यू कैन स्पेंड विद योर पार्टनर और इफ यू आर कमिंग अलोन, इट्स अ वेरी नाइस यू नो ब्यूटीफुल प्लेस. So this is another famous point to visit in Bhutan. यहाँ पे भी basically आपको boating तो हर जगह ही मिल जाएगी, बहुत सारे canals हैं, बहुत सारे boat tours होते हैं. अभी मैं खड़ा हूँ सेंट जॉन्स हॉस्पिटल के सामने, जिसको डच में सेंट जॉन्स हॉस्पिटल कहते हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हॉस्पिटल्स इन यूरोप. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैनाल है, इधर बोटिंग हो रही है, और यहाँ पे पास में ही सामने इसके हॉस्पिटल है. तो व्यू वाइज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे. और आपको जैसे मैंने बताया ब्रूश में बहुत सारी कैनाल्स हैं और बहुत जगह ये बोटिंग टूर कराए जाते हैं, तो विच कॉस्ट नियरली फ्रॉम 10 to 15 € फॉर वन बोटिंग टूर बेसिकली. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है, हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो वी आर एंजॉइंग दिस वेदर. तो गाइज अभी हम आपको लेके चल रहे हैं पीके मूवी की 3rd लोकेशन पे, जहाँ पे एक और सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा का सीन शूट किया गया था. चलो मिलते हैं उसी लोकेशन पे. तो ये है 3rd लोकेशन पीके मूवी से, और ये वो जगह है जहाँ पे सुशांत और अनुष्का पहली बार मिलते हैं, और वो एक टिकट के पीछे फाइट करते हैं, जहाँ एक हरिवंश राय बच्चन का शो चल रहा होता है, राइट.
सो अभी एक अनफॉर्चुनेटली ये बिल्डिंग बंद है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम आपको भी बाहर से ही दिखा रहे हैं. सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम तीनों लोकेशन कवर कर पाए इस वीडियो में. सो यू कैन हैव अ लुक. तो यहाँ पे आपने जैसे कि देखा, आप एक हॉर्स राइडिंग कर सकते हो इन चैरेट. तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. ये जो प्लेस है, यहाँ पे घोड़े पानी पीते हैं. यहाँ पे आप देख रहे होगे तो घोड़े की शेप में ये बना हुआ है और यहाँ पे पानी आ रहा है. तो घोड़े पानी बेसिकली यहाँ से पीते हैं और उनके लिए चने एक बकेट में डाल के वहाँ पे रख दिए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. चर्च ऑफ आर लेडी के सामने, बिल्कुल सामने या पीछे जो देख रहे हैं, दिस इज द चर्च. सो बेसिकली इट इज़ अ ब्रिक चर्च टावर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे. ये प्योर, ये प्रॉपर ईंटों से बनी हुई है, इसलिए इसको ब्रिक चर्च टावर भी कहते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी विजिटेड द प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू विजिट द चर्च. देर इज़ नो टिकट, बट यहाँ पे अंदर एक म्यूजियम भी है जिसके लिए आपको अलग से टिकट बाय करना पड़ेगा. एंड because of some reasons the photography and videography inside was not allowed today, so we can't show you the pictures from inside. But main batana chahunga ki interior wise I think it's very rich. You can see different kind of paintings inside and it was worth visiting this site. You can definitely go inside and visit the church. To abhi hum wapas se Bruges station pahunch chuke hain. To abhi hum wapas jayenge Brussels jahan pe humne stay kiya hua hai basically. तो मोस्ट ऑफ़ द अट्रैक्शंस हमने कवर कर ली हैं. बाद में शाम में बारिश होने की वजह से काफ़ी हॉच पॉच हुआ, हमें बस लेने में काफ़ी दिक्कत हुई और यहाँ पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हुई. तो अभी थोड़ी देर में मैं आपसे प्रो टिप्स कुछ शेयर करूँगा और उसके बाद हम इस डे टू को एंड कर लेंगे. तो अभी हम ब्रूज के स्टेशन पर वापस आ गए हैं और हमारी ट्रेन है 5:33 पे. यहाँ पे देखिए ट्रेन जाएगी ब्रसल्स को और ट्रेन का नाम है कुपेन. ICE means Intercity Express basically. तो बस थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आने वाली है एंड देन वी विल गो बैक टू ब्रसल्स. ये देखिए हमें वापसी पे क्या दिखा, ब्रूज से ब्रसल्स जाते हुए बेसिकली हमें वो रेनबो दिख रहे हैं दो, एक थोड़ा सा आप भी देख पा रहे होंगे और एक थोड़ा बहुत ही लाइट है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही छोटा सा है. हाँ, बट दिस इज़ व्हाट वी सी, रेनबो. तो आज का हमारा ब्रूज का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा. अभी हम वापस ब्रसल्स आ चुके हैं, लेकिन मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपके साथ कुछ प्रो टिप्स शेयर करूंगा. तो ये रहे मेरे तीन प्रो टिप्स जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं और हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि आपकी टाइम और मनी दोनों बचे. पहला, जब हम ब्रसल्स से ब्रूज गए थे तो हमने रिटर्न टिकट भी साथ में ले ली थी. इससे क्या हुआ, हमें रिटर्न टिकट पे 50% ऑफ मिला, क्योंकि आप ब्रूज एक ही दिन में जाके वापस आ सकते हो ब्रसल से, एक ही दिन में आप सारी चीज़ें अट्रैक्शन घूम सकते हो. तो हम आपको रेफ़र करेंगे कि आप भी रिटर्न टिकट साथ में ले लो ताकि आपका वहाँ पे फ़ायदा हो जाए. और सेकेंड प्रोजेक्ट ये है कि हमें वहाँ पे जाके ये पता चला कि ब्रूज में ना तो ट्रैम चलती है ना ही मेट्रो चलती है, सिर्फ बसेस चलती हैं. तो फिर भी हमने क्या किया, हमने फुल डे बस पास लिया जो कि हमें 7.5 यूरोस पर पर्सन पड़ा. लेकिन ऑनेस्टली हमने वो यूज़ ही नहीं किया क्योंकि सारी जो अट्रैक्शंस थी वो पास पास में थी और हम मतलब सबको वो एज अ वॉकिंग टूर ही आपको सारी चीज़ें कवर कर सकते हो. तो बेसिकली आपको वो भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है. बट इन केस इफ यू स्टिल वॉन्ट टू परचेज इट, तो आप क्या कर सकते हो, आप वन टाइम टिकट ले सकते हो फ्रॉम ब्रूज स्टेशन टू एनी ऑफ द अट्रैक्शंस जो कि आपको 2.5 यूरोस कॉस्ट करेंगी और वापसी के लिए भी आप सेम वही ले सकते हो 2.5 यूरोस की. तो ओवरऑल उसमें आपका सिर्फ 5 यूरोस ही लगेंगे. दिस वाज द सेकंड प्रो टिप. नाउ द थर्ड वन इज दैट वी वर नॉट हैविंग अम्ब्रेला विद अस. तो क्या हुआ, शाम में मौसम बहुत ही ख़राब हो गया और बारिश भी हुई, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई बेसिकली. तो हमारे पास अम्ब्रेला नहीं थी, तो हमें पहले तो मिल नहीं रही थी कोई ऐसी शॉप, लेकिन बाद में हमें मिली और वहाँ पे जब हमने अम्ब्रेला खरीदी तो ऑब्वियसली यूजुअल रेट से काफ़ी महंगी मिली. तो तीसरी चीज़ ये है
कि वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी यहाँ पे वेदर काफ़ी ख़राब हो सकता है। सुबह बहुत सनी था, बहुत वार्म डे था, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में काफ़ी मौसम चेंज हो गया और बहुत सारी बारिश हुई, तो इस वजह से मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि आप अपना अम्ब्रेला वगैरह साथ लेके चलें। आई होप कि ये टिप्स आपके काम आएंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसमें कोई भी अच्छी या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और कॉन्टेंट क्रिएट करने की आपके लिए। तो अभी ये हमारा डे टू का एंड होता है और कल डे थ्री है, एक नए शहर में जाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ये था हमारा डे टू इन बेल्जियम। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारा जो डे थ्री होने वाला है वो भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो उस व्लॉग को भी ज़रूर देखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओनली ऑन जर्मन लाइफ देसी स्टाइल। बाय बाय।